ठीक है, पावर आ गया। यहाँ पे मेन वॉल्यूम है, ये है आपका इको डिले का मेन जो सेक्शन है एफएक्स का वो। हेलो, यहाँ पे और थोड़ा सा रिपीट कम कर दिया, फिर देखिए डिले और थोड़ा सा अच्छा खासा हो गया। देखिए इससे अगर आप DD3 जैसा इफेक्ट का आशा रखेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन साउंड एंड टेक। जैसे कि आप जानते हैं, पूजा से पहले छोटे छोटे जो मिक्सर्स होते हैं उनका तो बहुत मार्केट में टर्न रहता ही है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए आज ले आए हैं स्टूडियो मास्टर की तरफ से जो Mini 6 मिक्सर है। ये बहुत दोस्त ने मेरे पास रिक्वेस्ट डाले थे कि भैया एक बार दिखा दो साउंड टेस्ट करके, और उसके अंदर जो इको है थोड़ा सा वो भी सेट करके दिखा दो। तो आप लोगों के लिए आज साउंड टेस्टिंग दिखाएंगे, मिक्सर अनबॉक्स करके दिखाएंगे, प्राइस भी बता देंगे और क्वालिटी चेकिंग भी कर लेंगे कि कैसा होता है एक छोटा Mini 6 स्टूडियो मास्टर का क्वालिटी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों ये है स्टूडियो मास्टर का मिनी 6 का पैकेजिंग, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, 2 बैंड इक्विलाइजेशन सिस्टम, बिल्ट इन इको डिले प्रोसेसर मिल जाएगा, क्लिप एलईडी इंडिकेटर मिल जाएगा, और इसके साथ आपको यहाँ पे प्राइस डिटेल्स का टैग भी दिख जाएगा। मैं थोड़ा फोकस कर लेता हूँ। और ये स्टूडियो मास्टर का बार कोड दिया हुआ है, यहाँ वेबसाइट में जाके ये स्कैन करके आप ओरिजिनलिटी भी चेक कर सकते हैं। तो फिर चलिए बॉक्स को पहले ओपन कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर मिक्सर कुछ ऐसी तरीके से पैकिंग होके रहते हैं, बस इसी तरह से स्पॉन्ज के अंदर और पॉलीथीन पैकिंग में अवेलेबल हो जाएगा आपका Mini 6 वाला मिक्सर। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं मिक्सर अलग करके निकल लिए, यहाँ पावर कॉर्ड जो है अलग करके आपको बड़े मिक्सर की तरह लगाना पड़ेगा, तो पैकेजिंग को साइड में रख देते हैं। तो ये है भाई आपका Mini 6 मिक्सर, इसे अभी पॉलीथीन से बाहर कर देता हूँ। फिर देखिए ये है पैकेजिंग, इसके अंदर जो इसका कागजात होते हैं, मैनुअल्स होते हैं, गारंटी वारंटी कार्ड होते हैं वो दिया जाता है। पहले पैकेजिंग को ध्यान से निकल देता हूँ। ये रहा आपका कंसोल, ये छोटा सा कंसोल, इसके साथ आपको क्या क्या कागज़ मिलता है। यहाँ पे मॉडल नंबर वारंटी कार्ड दिया गया है, ये आप देख ही सकते हैं। इसके साथ आपको एक यूज़र इंटरफेस यानी कि इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर कुछ चीज़ कुछ कागजात दिया जाता है। अभी मिक्सर का प्राइमरी साइड के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे आपको दोनों इनपुट मिल जाएगा, माइक के लिए अलग करके, लाइन के लिए अलग करके। यहाँ पे गेन मिल जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी ड्राइव मिल जाता है, लो फ्रीक्वेंसी ड्राइव मिल जाता है। जैसे कि आप देखे हैं 2 बैंड इक्विलाइजेशन सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। ये है आपका एफएक्स के लिए वॉल्यूम, और ये है आपका मेन वॉल्यूम यानी कि जिससे आपका लेवल पास होता है। गेन का भी अलग करके यहाँ पे नॉब प्रोवाइड किया जाता है। ठीक वैसे ही चारों चैनल के लिए आपको एक ही ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। 5 नंबर जो चैनल है ये स्टीरियो में प्रोवाइड होते हैं, लेफ्ट होते हैं मोनो के लिए, और चाहो तो लेफ्ट और राइट में आप दोनों जैक यूज़ करके यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको गेन कंट्रोल नहीं दिया जाता, उसके बदले आपको हाई फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, लो फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, एफएक्स और जस्ट वॉल्यूम नॉब दिया जाता है। इस सेक्शन के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे आपको सिग्नल और पीक के लिए 2 LED इंडिकेशन मिल जाता है, और 2 चैनल के लिए अलग अलग करके मेन वॉल्यूम आउटपुट मिल जाता है। ये होते हैं आपका एफएक्स सेक्शन। यहाँ मेन एफएक्स ऑन ऑफ करने के लिए आपको स्विच मिलेगा, फिर यहाँ पे डिले और रिपीट के लिए वॉल्यूम, और जैसे कि आप जानते हैं अलग करके फेडर दिया जाता है बड़ा मिक्सर में, तो उसके जैसे ही एक यहाँ पे आपका एफएक्स रिटर्न का नॉब दिया जाता है जो है ये रेड कलर का। फिर आता है इसका साउंड टेस्टिंग का बारी, साउंड टेस्टिंग आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये है Mini 6 का जो पावर कॉर्ड है, ये कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए जैसे कि आपको बड़ा मिक्सर में प्रोवाइड किया जाता है वैसे ही आपको यहाँ पे AC सॉकेट प्रोवाइड होगा। तो ये यहाँ पे हो गया कनेक्ट, ठीक है, पावर आ गया। यहाँ पे मेन वॉल्यूम है, ये है आपका इको डिले का मेन जो सेक्शन है एफएक्स का वो, ये आपको सेट करके दिखाना है। ठीक है चलिए यहाँ पे एफएक्स ऑन कर लिया। अब माइक्रोफोन मैं यहाँ इनपुट कर देता हूँ माइक सेक्शन में, ठीक है। पहला वाला चैनल ले रहा हूँ, गेन करीबन 40% खोल दिया, HF को करीबन 60% खोला, लो जो है ये मैं थोड़ा सा कम करके खोलता हूँ क्योंकि पीछे बॉक्स रखा हुआ है तो इसीलिए आपको लो फ्रिक्वेंसी का रिस्पॉन्स ही ज़्यादा आएगा, ऐसे ना हो इसीलिए ये कर दिया जाता। अभी
एम्प का जो आउटपुट है वो दे दिया। चलिए एम्प ऑन कर देता हूँ। यहाँ मैं ATI Pro का 700 से टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एम्प ऑन कर दिया। तो अभी पूरा मिक्सर सेट करने के बाद यहाँ एम प्रो का एक माइक से मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। इसका साउंड अब छोड़ दिया है, देखिए पूरा ड्राई है। हेलो चेक, हेलो 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 हेलो। यहाँ पे जो आउटपुट आप देख सकते हैं ये पूरा ड्राई आउटपुट आ रहा है, अभी कोई भी इफेक्ट्स दिया हुआ नहीं है। चलिए इफेक्ट्स को खोल लेता हूँ। अभी एफएक्स को थोड़ा सा खोलता हूँ, फिर टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये है इसका जो एफएक्स है उसका क्वालिटी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और हाई फ्रीक्वेंसी डाउन कर देता हूँ। अभी डीले को थोड़ा सेट करके देखता हूँ क्या आता है। आप लोग जो नॉर्मली सिंगिंग का काम करते हो तो करीबन यहाँ ऐसे सेटअप करने से आपका जो थोड़ा सा लॉन्ग और थोड़ा सा स्ट्रोक टाइप का डिले सेट हो जाता है, उससे आपका जो छोटा मोटा काम है भगवत कथा का काम या फिर छोटा मोटा कोई भी ऑर्केस्ट्रा हो या फिर कोई भी छोटा आपका प्रोग्राम का इवेंट हो तो इसी वाला डिले से आपका चल जाएगा। देखिए और एक बार मैं एफएक्स टेस्ट करके दिखा देता हूँ। फिर भी ये है एफएक्स का सेटिंग। ये थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं कि बाद में आप इस पे काम कर सको। यहाँ पे देखो मैं जितना बात करता जा रहा हूँ यहाँ पे सिग्नल का लाइट ब्लिंक हो रहा है और ये है चैनल 1 से। फिर से मैं एफएक्स खोल लेता हूँ। हेलो चेक। यहाँ पीछे मेरा साउंड बॉक्स लगा हुआ है तो इसका जो क्वालिटी है, वोकल का प्रेशर है और वोकल में डिले का जो क्वालिटी है ये काफी हद तक मुझे अच्छा ही लगा। यहाँ पे आप रिपीट अगर थोड़ा सा कम करना चाहो ये भी कर सकते हो, इतना रिपीट अगर आपको नहीं चाहिए होता। हेलो, यहाँ पे और थोड़ा सा रिपीट कम कर दिया, फिर देखिए डिले और थोड़ा सा अच्छा खासा हो गया। देखिए इससे अगर आप DD3 जैसा इफेक्ट का आशा रखेंगे तो वो बेकार होगा। DD3 अलग करके इफेक्ट के लिए बनाया गया और इसके साथ सिर्फ आपको इफेक्ट प्रोवाइड किया जाता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको यूज करना चाहते हो। नॉर्मली तो ये एज ए मिक्सर बहुत ही अच्छा खासा साउंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देगा। जितना आप लोगों के साथ शेयर करना था मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के साथ इसका इको का क्वालिटी और साउंड का क्वालिटी क्या है वो शेयर कर पाऊँ। और अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो तो करीबन इसको आप 3,900 से 4,000 रुपए के अंदर मार्केट में इजीली पा जाओगे। तो अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलता है आप हम लोगों के पास आकर भी परचेस कर सकते हो। मिदनापुर बटतला चक में जो स्पेयर लैंड है वहाँ पे आके भी आप परचेस कर सकते हो 4,000 रुपए के अंदर। ये जो स्टूडियो मास्टर का मिनी 6 है वो प्रोवाइड हो जाएगा। तो भाई ये वीडियो था यहीं तक, फिर आएंगे छोटे मिक्सर के बहुत सारे वीडियो लेके जो आप लोगों का आशा रखते हैं काम में आएगा। फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।